आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए आईटीआई काउंसलिंग पे जाएंगे। आईटीआई काउंसलिंग से जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के पेज खुलेगा। फिर इस तरह के पेज खुलने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग। प्राइवेट आईटीआई ऑनलाइन जैसे काउंसलिंग पे जाएंगे, ये हुआ ये प्राइवेट आईटीआई काउंसलिंग। उसमें आप दूसरे नंबर पे जाएंगे, ये पहला नंबर बता रहा संस्थाओं व्यवसायों की प्राथमिक क्रम का चयन। हमारा जो 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक की इसकी डेट दी गई थी, यहाँ पे आपने क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं पहले। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना अपना सभी को ही डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपने सबमिट पे कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड फिल करना है जो आपके पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय मिला है। पासवर्ड जैसे फिल करने के बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन करेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन करने के बाद आपसे कंफर्म पूछ रहा है कि आपने जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन नंबर किया है उसमें कोई सुधारने हेतु व्यवस्था नहीं की गई है, अभी आप सुधार सकते हैं। जैसे चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद सुधारने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से पढ़ ले, उसमें डिटेल्स में अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी यदि आपने सही किया है तो आपने ओके दबा दोगे। ओके दबाने के बाद जैसे लॉगिन में जाओगे, जैसे लॉगिन करोगे तो आपका एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप यहाँ पे जिला सेलेक्ट करोगे। जिला में हमारा अभी भोपाल आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे मैं भोपाल डालूँगा, ये भोपाल डाल दिए। भोपाल डालने के बाद आपने अपना ट्रेड डालोगे, कौन सा ट्रेड में आपने एडमिशन ले रहा है। जैसे मैं अपने अभी इलेक्ट्रीशियन के बारे में बता रहा हूँ तो हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद आपने अपना सर्टिफिकेट एनसीबीटी से लेना चाहते हैं कि एससीबीटी से, तो हम लोग एनसीबीटी में करेंगे क्योंकि नेशनल काउंसलिंग सर्टिफिकेट होती है, आपने ऑल इंडिया कहीं भी जॉब कर सकते हो। जैसे आपने भोपाल जिला सेलेक्ट किया है तो भोपाल की सारी प्राइवेट आईटीआई आपको दिखाएंगे। जैसे हमारी आईटीआई भोपाल में जब आप सेलेक्ट करोगे तो भोपाल के नंबर पे आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी राजा भोज प्राइवेट आईटीआई राजधानी जो प्राइवेट आईटीआई है, 30 नंबर और 31 नंबर कॉलम पे आएगी, जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद राजा भोज राजधानी पे आप साइड में क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाके सबमिट कर दोगे। ये देखिए कुछ इस तरह के आपके पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जाके सेव कर दोगे। सेव करने के बाद जैसे ही आपने आगे काम करोगे पेमेंट मांगेगा, आपने पेमेंट कर देना अपना। तो कुछ इस तरह के वो हो जाएगा। जैसे अपने चॉइस फिलिंग में राजा भोज राजधानी दिखा दिया और यहाँ पे आपको आप पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप प्रिंटआउट लेकर सबमिट कर सकते हो। इस तरह आप अपना